So hello and good morning guys, welcome back on Traveler Sandhya. So I am again here for you all with another exciting video of my daily life routine. तो सारा घर का काम तो हो चुका है और फ्रेश भी हो चुके हैं. तो अभी हम चल रहे हैं नाश्ता करने. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ आज स्पेशल. सो दिस इज माई टूडेज ब्रेकफास्ट. ये है साबुदाने का पुलाव. आई डोंट नो बाकी लोग क्या कहते हैं, बट हम लोग इसे साबुदाने का पुलाव कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है और देखने में भी स्पाइसी और चटपटा है. तो चलिए मैं इसे खाती हूँ, उसके बाद आपसे फिर से मिलते हैं. सो गाइस, ब्रेकफास्ट मैंने अपना खा लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा था. और इस ब्रेकफास्ट को मेरी दोनों ब्यूटीफुल भाभीज ने बनाया था. तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है. तो अब मैं मिलाती हूँ आपको हमारे नन्हे मुन्ने शैतान से, जिसका नाम है टुक टुक, जो कि रेडी हो चुका है अपने मौज के पोस्ट बनाने के लिए. तो चलिए देखते हैं वो क्या कर रहा है फिलहाल. ये है हमारा क्यूट सा प्यारा सा नटखट सा टुक टुक, और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है क्योंकि आज ये लड़की बना है. बीच में टीका लगाया है, इधर देखो बेटा टुक टुक, हंस दो हंस दो. इसका स्माइल बहुत ही प्यारा है, पर अभी ये हंस नहीं रहा है, भाव खा रहा है लग रहा है टुक टुक अभी. तो इसका मौज का वीडियो हम लोग बनाते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं. हमारे प्यारे से टुक टुक का वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आ चुकी हूँ हमारे प्यारे और फेवरेट अड्डे पर, जो कि है हमारा प्यारा ऑटो. तो स्वाति यहाँ पे पढ़ाई कर रही है और मैं भी आ चुकी हूँ अपने बुक्स और कॉपीज के साथ यहाँ पढ़ने. तो थोड़ी ही देर में मेरा ऑनलाइन क्लास है, तो सोचा उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो और मैंने और स्वाति ने दोनों मिलके हमने डिसाइड किया है कि हम अपना इंग्लिश इम्प्रूव करके रहेंगे, जिसके लिए हम दोनों रोज़ 5 वर्ड्स याद करते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं और एक पैराग्राफ लिखते हैं इंग्लिश में और एंकरिंग यूजेस सुनते हैं इंग्लिश की. तो देखते हैं इससे हमारी कितनी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, होती भी है या नहीं, और हम कितने दिन अमल करते हैं. अब तो हम सभी की ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं फिलहाल, और मौसम भी अभी थोड़ा ख़राब सा हो गया है और अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें. तो हम सब जा रहे हैं अपने अपने घर खाना खाने और फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में. तो मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और हवा लगभग 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और खेतों में आप देख सकते हैं धूल उड़ रहे हैं. तो हवा बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है फ्रेंड्स, और ये है यहाँ का ओवरऑल व्यू. मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है अभी. आज भी अच्छी खासी बारिश हो गई और लगभग 2-3 घंटे आज भी बारिश हुई और मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है अभी और शाम भी पूरी तरह से ढल चुकी है. तो हम ऐसे ही अभी निकले थे इवनिंग वॉक के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात कर ली जाए. तो कल ऐसे ही हमारे घर के पड़ोस में बोरिंग हो रहा था, जिसके वजह से रात भर में ठीक से सो नहीं पाई. तो वही हम लोग देखने आए थे कि कैसा हुआ है बोरिंग, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ. तो ये है वो एरिया हमारे घर के पास का जहाँ पे कल बोरिंग हुआ, और ये है जगह जहाँ पे बोरिंग हुई, बट इसे
ढक दिया गया है। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है ढकने का, बट यहीं पे हुआ था बोरिंग।